कंप्यूटर चेंज कर दिया, अभी नहीं होगा गड़बड़ कुछ। चलिए तो अब बताइए, A1 क्वेश्चन सुन पा रहे हो क्या सब मेरे को? हाँ सर, मैंने कंप्यूटर ही चेंज कर लिया तो अभी नहीं प्रॉब्लम होगी मोस्ट प्रोबेबली। A1 क्वेश्चन डन है सबका, A2 भी डन है, हाँ सर, यस सर, A4, हो गया था सर, A5, हो गया था सर, A6, हो गया सर, A7, यस सर, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर B1, इसमें मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए क्या नो क्वेश्चन। सर, B1 नहीं, B1 नहीं हुआ, नहीं सर, हो गया, मतलब इसमें डाउट नहीं है। B1, B2 हो गया था सर, हो गया सर, B3, हो गया पूछ लेना सब सर, अपने अपने भाई, सबको अपना अपना पूछना है, बाकी लोग बिना परवाह किए। B3 हो गया, फिर है B4, हो गया था सर, B5, सही इसका बी पार्ट। इसका भी पार्ट एक कंटेन, इसका ए भी दोनों ही करना पड़ेगा। फिर एक बार इक्वेशन बना लूं, एक कंटेनर होल्ड्स इतना लीटर 180 टेम्परेचर, दी गैस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आर्गन, तो अपने पास है आर्गन है, ऑक्सीजन है और अपने पास SO2 है, ठीक है। बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस, तो इसका पार्शियल प्रेशर एक्स मान रहा हूँ, इसका पार्शियल प्रेशर वाई मान रहा हूँ, इसका पार्शियल प्रेशर जेड मान रहा हूँ, चलेगा इतना। तो पहली इक्वेशन लगा रहा सर हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मतलब जेड बराबर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, एक इक्वेशन ये है। दूसरी क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब वाई बराबर 2 * पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, वाई बराबर 2x है यार, ठीक है, वाई बराबर क्या है अपने पास 2x, 2x है ना। दो इक्वेशन तो आगे, तीन इक्वेशन चाहिए मेरे को। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अंडर दीज कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि दो इक्वेशन आ गई अपने पास, एक और बनानी, एक कंटेनर होल्ड 22.4 लीटर गैस एट 180 प्रेशर, ठीक है ना। तो एक बन जाएगी, देखो क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 मतलब 760 mm होगा जी, ये वन कर लो, नहीं समझे। हाँ सर, समझ गए, यस यहां से आप क्या निकालोगे, x y z की वैल्यू निकालोगे, तीन इक्वेशन है, सर, हो जाएगी ना तीन इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके। हाँ सर, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हाँ बोलो बेटा, तो बोल रहा है, अब आपको डेंसिटी निकालनी है, तो PM बराबर DRT होता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो आपको चाहिए PMRT यार। फिर यार एक बार बताओ, प्रेशर तो पता है, एम पता है, एम नहीं पता हमें यार, एम नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर, एम भी चाहिए ना। सर लीटर दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम दी हुई है, हो गया, तो टोटल मोल कितने हो गए, एक मोल दे रखा है यार। देखो ऐसा करो यार, इसको पार्शियल प्रेशर नहीं, इसको देखो पार्शियल प्रेशर को मोल भी तो मान सकते हैं। एक बार बताओ पीए बराबर क्या होता है, एक्स इंटू पी टोटल, सही है, सर, पी टोटल कांस्टेंट है, एन ए बाय एन टोटल ही तो होता है, तो चाहे पार्शियल प्रेशर की जगह मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ना, नहीं समझे, यस सर, यस सर, देखो PA बराबर XA into P total होता है, तो PA बराबर क्या होता है NA divided by N total divided into P total, ये यस सर, XYZ को मोल मान लो, नहीं समझे, हाँ सर, समझ रहे हो, XYZ मैंने मोल मान लिए, ये ठीक है समझ, सर, चलो मैंने XYZ मोल मान लिया। अच्छा अब सुनो मेरी बात, आप सबको पता चल गया XYZ की वैल्यू निकल जाएगी, ये तो पता चल गया XYZ की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्स वाई जेड है क्या, एक्स एक के मोल है गैस के, वाई और जेड तीनों मोल आ जाएंगे आपके पास, क्लियर है सबको। हाँ सर, देखो तीन इक्वेशन कैसे बनेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ही वन होगा, क्योंकि ये एसटीपी दे रखा है ना, देखो प्रेशर 180 टेम्परेचर 273 केल्विन, यस सर, 22.4 लीटर मतलब एक मोल दे रखा है,
ठीक है। सर एक इक्वेशन तो पार्ट, मैं फिर से इक्वेशन बना रहा हूँ, एक इक्वेशन पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ टू, मतलब कि मान लो मैंने क्या माना है आर्गन तीसरे नंबर माना, तो जेड बराबर ठीक है ओ टू प्लस आर्गन एक्स प्लस वाई, एक इक्वेशन ही हो गई बेटा मोल है, है ना, पार्शियल प्रेशर को मोल के टर्म में देख रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन हो गई मेरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू मतलब वाई बराबर टू एक्स, और तीसरी इक्वेशन हो गई कि टोटल मोल कितने के बराबर है, वन के बराबर है, यस सर। तीन इक्वेशन आ गई। अब यदि तीनों के मोल आ गए तो आपको एक फॉर्मूला पता है मीन मोलर मास कैसे निकालते हैं, मीन मोलर मास क्या होता है याद है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल, कैसे निकालोगे देखो, टोटल मोल तो कितना बेटा वन, टोटल मास कैसे निकालोगे, मान लो अपन को पता है आर्गन का मास एक्स है, आर्गन का मास एक्स है तो एक्स इंटू चालीस, चालीस मोलर मास है आर्गन का, प्लस ऐसे कर करके सबका निकाल लो, ऑक्सीजन वाई इंटू थर्टी टू प्लस जेड इंटू एसओ टू का मोलर मास 64, समझे सब लोग, टोटल मोल वन है। अब यहां से तुम्हें बस, अब यहां से यहां पे आप फिर लगा देंगे डी बराबर पी एम इंटू आर टी, तो आपको पी पता है 180 है, एम यहां से आ जाएगा बेटा, आर पता है टी पता है, हो जाएगा। अभी देखो सब लोग बोलो, अभी हो जाएगा सर, बी सिक्स नो सर होगा ना सर, मेरा नहीं हुआ तो बी सिक्स नहीं हुआ। ओके, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन वाटर वेपर एंड फ्लास्क व्हिच कंटेन ए सॉलिड ड्राइंग एजेंट इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन द प्रेशर ऑफ फ्लास्क इज 760। देखो पहले एक फ्लास्क है जिसका प्रेशर दे रखा है 760 एमएम, है ना, इसके अंदर ड्रॉइंग एजेंट है, इसके अंदर अब अपने दो चीज डाली, देख बेटा अपन ने क्या डाली है, नाइट्रोजन डाला है और हमने डाला है H2O गैस, सही बात है। अब जो ड्राइंग एजेंट है वो क्या खींचेगा इसमें से, नाइट्रोजन को तो ड्राई करेगा नहीं, किसको ड्राई करेगा, पानी को, वाटर को, यस सर। अब देख 760 टोटल प्रेशर था तेरे पास, अब वो थोड़ी देर के बाद प्रेशर हो गया 745, मतलब कि जो पानी का प्रेशर है, पानी का प्रेशर वो कितना आ गया 15 mm, और जो नाइट्रोजन का प्रेशर वो कितना आ गया बेटा 745। ये समझ में आया भाई तेरे को, सही भाई। अब देखो कैलकुलेट द कंपोजिशन मोल परसेंट, तो बहुत ही आसान है, मोल, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो देख जैसे तुझे तुझे पता है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कैपी टोटल, सही है भाई, तुझे ये पता है, ये पता है, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ऐसे तेरे को H2O का भी मोल आ जाएगा, यस सर। पहला सवाल हो गया, क्लियर है, कोई शक, देख ले अच्छे से, ये निकालना है मोल परसेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ही हो गया एक तरह का, हाँ सर, सही है भाई। अच्छा, अब इफ द एक्सपेरिमेंट इज डन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राइंग एजेंट इंक्रीज द वेट पॉइंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, द एक्सपेरिमेंट इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब देख तुमने पहले टेम्परेचर कितना था, नहीं इन्होंने पहले टेम्परेचर ही नहीं दिया, बी को काट दो, बी में गड़बड़ है भाई, सर वो 0 डिग्री मान के चलते हैं ऊपर वाला, 0 डिग्री मान के चलेंगे तब होगा, नहीं तो फिर तो आसान है, हां फिर वो सर एसटीपी पे मान के लेते हैं ना हमेशा, उतना काट दो यार, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, पर अभी छोड़ दो, P6 का A पार्ट करो, B पार्ट में कुछ नहीं करना है, लाइट ले लो, कोई नहीं टेंशन मत लो, उन्होंने नहीं दिया तो हम स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर बताओ आंसर क्या दे रखा है पीछे, C1 बताओ, हो गए सर, हो गया था सर, C2 हो गया था, ये भी हो गए सर, C3 हो गया था सर, भाई बाकी लोग भी करके आए ना, आवाज मुझे दो ही आदमियों की आ रही है बस, D1 हो गया था सर, D1 ना, हाँ सर, D2 सर, D2 बताओ, हाँ सर, तो क्या किया है इसने, फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल्स नाइट्रोजन अननोन गैस आर लीक इन अ कॉमन वेसल, तो देखो अपने पास एक वेसल है बेटा, है ना, तो वेसल बना लेता हूँ, इसमें कॉमन होल है, तो यहां से मान लो नाइट्रोजन आ रही है, तो यहां से नाइट्रोजन आ रही है और यहां से कोई अननोन गैस आ रही है एक्स जो मुझे नहीं पता है, 10 मिनट से आ रही है दोनों गैसेस कॉमन वेसल में, 4 लीटर कैपेसिटी है इसकी, 4 लीटर कैपेसिटी है, द रिजल्टिंग प्रेशर इज 2.8 mm, ओके रिजल्टिंग प्रेशर 2. और अपन को नाइट्रोजन के मोल दे दिए, अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखो यार मेरा कहना क्या है,
मेरा कहना क्या है कि पहले लगाओ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है कि नहीं है? ठीक है सर। तो प्रेशर है 2.8, हाँ सर, वॉल्यूम है 4 लीटर, मोल निकालूंगा, आर पता है, टी पता है, टी दे रखा है नहीं दे रखा है? जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो डिग्री है सर। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल मोल कितने हैं इसमें, सही है? ओके सर। मान लो एन आ जाएगा, वो निकाल लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें नाइट्रोजन के, अब हमें पता है मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रखे, कितने दे रखे हैं? 0.4, तो मोल ऑफ एक्स कितने आ जाएंगे? एन माइनस समथिंग, सही है? हाँ सर। टोटल मोल एन है, नाइट्रोजन के मोल 0.4 है, तो एक्स के मोल कितना जाएंगे? एन माइनस 0.4। यस सर। अच्छा बहुत ही अच्छी बात है। अब लगाते हैं डिफ्यूजन का फॉर्मूला। हमने कहा रेट ऑफ एक्स बराबर रेट ऑफ एन टू बराबर क्या होगा? 28/m। हाँ सर। ये m निकालना है मुझे। अच्छा रेट को डिफाइन करेंगे मोल बाय टाइम। तो नाइट्रोजन के कितने मोल आए? 0.4 10 मिनट में। यस सर। उसके कितने मोल आए? n माइनस 0.4 10 मिनट में। हाँ सर। यस सर। 28/m, देखो आएगा कि नहीं आएगा, बन गया ना इक्वेशन? 0.4 डिवाइडेड बाय 10 भाई, नाइट्रोजन के 0.4 मोल आए 10 मिनट में, है कि नहीं है? और उसका है n माइनस 0.4 10 मिनट में, टाइम तो दोनों का सेम ही है। यस सर। अंडर रूट 28 बटा m के बराबर रहेगा, सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा पक्का, m आ जाएगा ना? हां सर। सर n की टर्म्स में आएगा आंसर, लेकिन भाई n की टर्म्स नहीं, n तो कांस्टेंट है बेटा, यहां से n निकालेगा नहीं क्या? पूरी कैलकुलेशन नहीं बताता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है सर? मैं ऐसे ही बताता हूँ, सवाल पूरा लिख दिया मैंने, कैसे होगा आंसर आप निकाल लो, ना तो फिर पूछ लो, अपन ऐसे ही बताते। चलो तो डी टू ये हो जाएगा, डी थ्री बताओ होगा तो सर, डी थ्री तो हो गया सर, डी फोर काट देना यार, हट गया सिलेबस में, डी फोर क्या भी नहीं था सर, फॉर्मूला अलग से बताना पड़ता है, वो मैंने बताया ही नहीं आपको, ठीक है? इसमें से ये E1 काट देना, E2 भी काट देना, ये देख लो दो, E3 E4 में किसी को दिक्कत? ये तो सर हो गए थे। हाँ यही है, वो दोनों नहीं काम करते, सबके हो गए। देखो भाई यार पूछ लेना प्लीज, आपका पेपर आएगा, मैं इसी लेवल का पेपर बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। इसी लेवल मतलब थोड़ा सा इसे टफ ही बनाऊंगा, मतलब एग्जैक्टली ये भी नहीं, तो सर इतना तो चलता है अभी तो। हाँ A1 इतना तो चलना भी चाहिए, मतलब आपको हो गया सर A1 तो, ठीक है A1 हो गया, A2 A3 भी काट देना, अब सिलेबस में नहीं रहा, A3 A4 काट देना यार, नहीं सर पहले तो थे ये, अब छोड़ो नहीं आते यार सवाल, बैरोमीटर मैंने पढ़ाया भी नहीं ना यार। हाँ पढ़ाया नहीं है सर। हाँ A5 से बताओ, A5 से देखो, इसमें तो A5 पूछो, किसी को पूछना है तो A5, A6 नो सर, A7 नो सर, A8 नहीं करना है, A9 हाँ सर, A8 नहीं करना, A9 हाँ सर, बताना है? हाँ सर। इफ मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया द रेशियो, अच्छा इसमें तो इसमें ये थोड़ा ना इस चैप्टर से थोड़ा एडवांस चले गए, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है, होने को इन्होंने दे दिया आयनिक इक्विलिब्रियम में, देखता दिखाता है कैसे, देखो भाई तो रिएक्शन लिख ले बेटा, आंसर आ जाएगा N2 plus thrice of H2 gives twice of NH3, यही कहानी है बेटा। हाँ सर। तो pressure is directly proportional to mole, ये तो मानता ही है। हाँ सर। ठीक है। तो इस mixture contain 3 mole of hydrogen and 1 mole of nitrogen, 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen, तो मान ले initially pressure ये 0 है, तो initially pressure कितना है? 4। Yes sir। अब मान ले कि जब ये reaction हो गई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 2। हाँ सर। Final pressure कितना हो जाएगा? 2। Ratio कितना हो जाएगा? 2:1। यहाँ मोल में कर रहा हूँ, लेकिन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, इसलिए कर पा रहे हैं। ओके सर। समझा? ठीक है सर। A10 हो गया था सर। A10 हो गया था। चलिए बढ़िया। A10 थोड़ा। चलो A10 हो गया, तो A11 देखिए भाई। क्या कर तूने, सबने पढ़ा है PV = nRT? यस सर पढ़ा हुआ है।
अच्छी बात है। तो इसको ऐसे एक सेकंड देखो इसको कैसे करें, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ना ये, तो लिख दो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है भाई। तो पी बराबर लिखो एन बाय वी आर टी, बिल्कुल सी के बराबर हो जाएगा, एकदम सही बात बोली। तो पी हमारे पास प्रेशर कितना है, कंसंट्रेशन कितना है वो भी दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, टी निकालना है, नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा सर। समझ गए कि नहीं समझे, चेंज कर लिया बस ना उसमें, पीवी इक्वल टू एनआरटी को पी बराबर सीआरटी में चेंज कर लिया। तो ये भी एक फेमस कन्वर्जन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को पी बराबर सीआरटी में और पीएम बराबर डीआरटी में, ठीक है। ओके सर, चलो आ जाओ। मतलब इसमें जो वॉल्यूम वाला है वो तो बिना बात में दिया हुआ है। क्या क्या जिसमें वॉल्यूम वाला है वो, हाँ हाँ हाँ, बकवास किया, बी गलत ही है, बी इसका आंसर सी होगा। वन बटा आर वो 12 केल्विन के बराबर ही होता है, क्योंकि एक यह सुना होगा ना आर की वैल्यू 12 भी होती है एक बार कहीं। ओके चलो, ए 12 हो गया था सर, ये बार हो गया सबसे। ए 13 यस सर, ए 14 डन सर, 15 डन सर, 16 हो गया था सर। चलो बी 1 डन सर, आपको दिख रहा है ना सवाल, मतलब और जूम तो नहीं करना है, बता देना। नो सर, जरूरत नहीं और जूम, बी 2 हो गया सर, बी 3 सर, बी 3 बताना है, बी 3 बताना है, बी 3 ए कंपाउंड एग्जिस्टिंग गैसियस फेज बोथ एज मोनोमर एंड डाइमर। ओके, तो ए कंपाउंड है जो ए फॉर्म में भी रहता है और ए टू फॉर्म में भी रहता है, डाइमर बना लेता है कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो एनओ टू और एन टू ओ फोर है ना, तो डाइमर समझते हो ना, दुगना, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ए का एटॉमिक मास दे रखा है 48 हमें है ना, एंड बी का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 96, डबल ही होगा, सही बात है, डाइमर है। एंड एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज कंफाइंड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 36.6 लीटर, इतना टेम्परेचर, द प्रेशर डेवलप इफ द कंपाउंड एग्जिस्ट टू 50% ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो आपको टोटल मास दे रखा है 96 ग्राम, सही है भाई, अच्छी बात है। तो कितने मोल दे रखे हैं इनिशियली, आपको कितने मोल दे रखे इस कंपाउंड के, 2 मोल दे रखे हैं मान लू। कैसे निकाला, इनिशियली 96 ग्राम दे रखा है कंपाउंड का, तो इनिशियली तो ए ही रहेगा ना, तो हमने कहा कि 48 से डिवाइड करा, क्लियर है इतना, बोलो यार। हाँ सर, इसके 2 मोल दे रखे इनिशियली आपको, तो ये तो 0 होगा है ना। अब बोला है कि 50% डाइमराइज होता है, मतलब मान से 2 माइनस एक्स करूं और यहाँ पे एक्स करूं, तो एक्स कितना है 50% ऑफ 2, मतलब कितना, 1। अरे बोलो। हाँ सर। तो जिस टाइम की ये बात कर रहा है, जिस टाइम पे हमको प्रेशर निकालना है, उसमें 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हमें निकालना है उस समय का प्रेशर, राइट, the pressure develop if the compound, अब pressure क्या निकालना है, हमें निकालना है P equals to nRT by V, ये करना है, सही है। अब देख लेते हैं क्या हम कर सकते हैं, तो R पता है, T पता है, तो सब पता है, volume भी पता है, फिर क्या दिक्कत है, आ गया आंसर, सही नहीं है क्या? देखो N पता है 2 मोल, R पता है, T पता है, वॉल्यूम भी पता ही है, वही कंटेनर का, हाँ तो क्या बताओ। ओके सर, सही तो है। ओके सर, कोई गलती नजर नहीं आ रही मेरे हिसाब से, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। जिस टाइम की बात कर रहा उस पर 1 मोल ए का होगा, 1 मोल ए टू का होगा, टोटल मोल आ जाएंगे 2 और एनआरटी कर देंगे, सही है, नहीं कोई गड़बड़। पी 4 बताओ, बिफोर हो गया सर, एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर भी नहीं, जितेंद्र का कंप्यूटर है, सब मेरे को इस कंप्यूटर में भी अजीब लगने लग जाता है, आदत हो जाती है ना खुद के कंप्यूटर की। जितेंद्र का है, मेरे को यूज करने की आदत ही नहीं है, पहले मैं इसको यूज करता था तो मुझे अच्छा लगता था, तब से मैंने नया लिया तो ये जितेंद्र यूज करता है तब से इसकी आदत चली गई। हाँ, अपना हो जाते तब दूसरों का बुरा ही लगने लग जाता है। क्या
अपना लैपटॉप आता है ना, दूसरों को पुराना ही लगने लग जाता है सही में। चलो C1 बताओ। हो होगा था ना C1। हो गया सर। C2 यार, C3 भी छोड़ देना यार, यदि आपने कर लिया तो अभी इसमें कुछ गड़बड़ है तो हटा देना। मुझे C1 C2 बताओ कौन सा बताना है। C3 हटा देना, सबके C1 C2 हो गए थे। हो गए। C1 C2 देख लो, किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो सर। चलो फिर आ जाओ ग्राम स्लो पे। D1 आसान है, D1 यस सर हो गया। यस सर D1 D2 देख लो, हो गया था सर दोनों। दोनों हो गए। फिर हाँ सर। आ जाओ बस, सॉरी सॉरी सॉरी। D3 सर D3 का बताना क्या लॉजिक लगेगा इसमें। बिल्कुल लॉजिक बताते हैं, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। देखो NH3 का मोलर मास कितना होता है, 17 ग्राम। हाँ सर। और HCl का मोलर मास कितना होता है, 37 पॉइंट, सॉरी 36.5 36.5। उसका भारी 18 है, होता है सर ऊपर वाले का। अच्छा 17 होगा ना, 14 और 3 17 हो गए, साढ़े हाँ छत्तीस सर सॉरी। ठीक है ठीक है। तो NH3 का मोलर मास है भाई 17 ग्राम, हाँ और HCl का मोलर मास है 36.5। सही बात है, सर। कह हाँ रहे हैं कौन भारी है, सर। कौन भारी है, तो HCl कौन कम HCl चलेगा, कौन कम चलेगा। HCl तो चलना चाहिए। HCl अब देखो व्हाइट फ्यूम्स बनती है NH4Cl की, कब बनेंगी, जब NH3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तभी तो बनेगा NH4Cl। हाँ यस ऐसी बात है, खुद सोचो कि NH3 तो HCl तो भारी गैस है, तो कम कम चलेगी, और सर। हाँ NHCl की गैस तो ज्यादा ज्यादा चलेगी, तो किसकी सर। तरफ माहौल यस सर। बनेगा। सी की ये तरफ। बोल रहा सही है। ए यस में तो सर। हाँ बी, ए तो बीच में हो गया, ए कब, सर। ए बंद कब बनता है, दोनों बराबर चलती, दोनों का मोलर मास बराबर होता, हाँ सर। ओके समझ रहे हो। जो हल्की है वो ज्यादा चल लेगी, जो भारी है वो कम चल लेगी, बन सर। गया काम। चलो D4। होगा सर D4। चलिए D5। यस सर D5 बताना है। हाँ D5 थ्री आइडेंटिकल, थ्री आइडेंटिकल फुटबॉल से रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इफ दी लीकिंग ऑफ गैस अकर्स सेम टाइम फॉर द फॉलोइंग द रेशियो देयर। ठीक है, इक्विवेलेंट आसान था, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होएगा, तो इसका क्या होगा, देख 1/√28, इसका क्या होगा 1/√2। हाइड्रोजन है ना, सबका मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होएगा ना। हीलियम का मास कितना होता है, 4। यस सही है, सर। अब यस इनको सर। इनका रेशियो लेना है बेटा। सही है, मोलर मास के रेशियो में होगा ना, मोलर मास के इनवर्स रेशियो में होता है, क्लियर ओके है। सर। इनवर्स में होता है सर। तो इनवर्स ही तो लिखा बेटा नाइट्रोजन का 1/28, देख इनवर्स ही तो लिखा बेटा। सही है, हाँ सर। नाइट्रोजन की जो रेट होगी वो 1/√2 28 होगी, हाइड्रोजन की 1/√2 होगी। सही है, अब इसको ऊपर से ना √28 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दें, √28 से मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा। तो √28 = रूट कितना जाएगा, 14:2, पर 4 28 से कटता है क्या, 4 7 28। हाँ हाँ सात। और इनको फिर √7 से वो डिवाइड कर दो, √14 √2 √1, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। सर यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना। हाँ, हो गया ना, √1 मतलब 1 ही है। नहीं मैं उसी में बता रहा हूँ जो अच्छा, ये मैंने इसको ना इसमें। √28 से मल्टीप्लाई करके फिर √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं कोई सिंप्लीफाई कर रहा दिक्कत हूं ना। नहीं। अरे मैं तो ये तो बता था यहीं पे 1 हो जाता है। ये √28 से √28 कट जाता है ना। अच्छा, अरे हाँ यार मैंने मूर्खता कर दी, सॉरी, फिर से करने दो। √28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 होगा, सही बात है, यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। अब आया आंसर, मैंने गड़बड़ कर दी पिछली बार, ये आंसर आ रहा है, ये है क्या आंसर में कहीं पे, ये तो आंसर ये है, हाँ ये सर आंसर आ ये रहा है। है यार। हाँ ये तो सिंपलीफाई करना है, मतलब मैंने पिछली बार कर दी, ओके बाय। सर। चलो आओ E1। E1 हो गया, E1 तो हो गया होगा, बोलो भाई, तो हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या, हो गए सर। E1 हो गया।
सर वो करा दिया आपने D3 D3 सर सॉरी D5 D0 करा दिया था D5 तो करा दिया, दोबारा से कराऊं? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। D5 में देख, मैंने कहा N2 H2 और हीलियम है, ठीक है? तो इनके मोलर मास के इनवर्स रेशियो में होगी रेट, सही बात है, प्रोपोर्शनल। तो हाँ सर देख नाइट्रोजन की जो रेट रहेगी 1/√28 होगी, हाँ सर हाइड्रोजन की 1/√2 होगी, यस सर हीलियम की 1/√4 होगी। अब यस सर इसको √28 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऐसे सोल्व करने के लिए, थोड़ा क्यों किया सर है क्यों मैं किया? सिंपलीफाई करना है ना, सिंपलीफाई कैसे करूं, कर तो सकते अच्छा हो, ठीक है सर ये तो कर ही सकता हूँ ना कभी भी, 3 नंबर्स को मैथमेटिक्स सिंपल, हाँ सर कर इसका सकते वो रीजन। E1 क्यों हो गया था सर हो गया था, E2 हो गया था सर डन E3 सर E4 बताना सर काइनेटिक एंड मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, अनदर सैंपल ऑफ O2 हैज काइनेटिक ऑफ 2x, द लेटर सैंपल कंटेन्स दी अच्छा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यार इसमें भी यार इसका भी आपको स्किप करना पड़ेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, ये भी और ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा केमिस्ट्री में, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ E6 ओके सर E6 E7 और E8 ये सारे हमारे सिलेबस में है, तो हमको करने चाहिए, सर हो गए थे देख लो भाई जिसको सबका पूछ लेना यार, देखो बाद में परेशान मत होना, मैं अभी बार बार आपको इसलिए, आप 10 बार पूछोगे 10 बार बता दूंगा, चीट नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। सर E9 बता दो E9 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO N2 एट दिस, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना सेम ही रहेगी बेटा, गैस पर डिपेंड नहीं करती, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी काइंड ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा 3/2 के, पढ़ा है यस सर पढ़ा हुआ है तो इसमें गैस का आता ही नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किसी भी गैस के एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है तो सर सेम ही रहेगा फिर तो। टेम्परेचर सेम है तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। आगे बताओ E10 आप हो जाएगा फिर फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सर ये भी सेम ही है हाँ एवरेज सेम ही रहेगी, मतलब हाँ सेम क्वेश्चन ही मतलब आ गया, E10 भी सेम ही सवाल है, अच्छा हाँ रहेगी सर सेम कांस्टेंट। चलो ये वाला होगा था सर ये मैथ्स भी कॉलम बहुत अच्छा है यार IIT के लिए, ये वाला तो बहुत ही आसान है और इसमें तो कुछ नहीं है, हाँ सर हो गए थे यस सर तो ये सबको क्लियर है, देखो सर क्लियर है सर अजय ने तो सवाल ही नहीं पूछे, अजय आदित्य करके लाए थे भाई, निर्मल तो कनेक्टेड ही नहीं है। ये हो गया, चलो बहुत ही सही। रहा हूँ कुछ क्वेश्चन अभी लगे हाथ ना पढ़ाऊंगा तो क्या ही, मैं कह रहा हूँ रियल गैस की शीट भी खोल देता हूँ, कुछ क्वेश्चन टिक मार रहा हूँ अभी कर लो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, सही है, नहीं आएंगे तो मैं अभी बता भी दूंगा, चलेगा? हाँ क्या बोलते हो, रेल गैस की शीट खोल लूँ आज की रिकॉर्डिंग?